नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपने सुना होगा कि चाइना बहुत बड़ा धोखेबाज है, लेकिन वो धोखा भारत के अंदर कर रहा है। क्या आपको पता है? बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि चाइना हमेशा धोखा देता है, और सच में चाइना धोखा देता है। भारत के अंदर जो चाइनीज मोबाइल कंपनियां हैं, जो चाइना के स्टोर हैं, वो भारतीयों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि चाइनीज कंपनी शाओमी एमआई, यानी आप देख रहे होंगे जो आपके पास मोबाइल है शाओमी का, इस समय पूरे देश में शाओमी के मोबाइल हैं, वो धोखेबाजी कर रहे हैं भारतीय ग्राहकों के साथ। जिस तरह भारत और चाइना के बीच लद्दाख में आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं, भारत की जमीन हथियाने की चाइना कोशिश कर रहा है, और इधर चाइनीज कंपनियां भारत के अंदर ऐसी धोखेबाजी कर रही हैं, आपकी आंखों का काजल पोंछ रही हैं, जो शायद आपको भी झकझोर देगा। दोस्तों चाइनीज कंपनी शाओमी अपने स्टोर पर मेड इन इंडिया के बोर्ड लगा रही है, मेड इन इंडिया के, समझ लीजिएगा। जो चाइनीज कंपनियां हैं वो मेड इन इंडिया के बोर्ड लगा रही हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु, हर जगह जो बड़ी बड़ी शहर हैं, जहां बड़े बड़े स्टोर हैं, वहां पर मेड इन इंडिया के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी आप समझ लीजिए। जो शाओमी के इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि भारत में इस समय चाइना को लेकर काफी विरोध है। चाइना को लेकर विरोध है, इसलिए अपने स्टोर को बचाने के लिए, शाओमी के स्टोर को बचाने के लिए, एमआई और बड़ी बड़ी कंपनियां, वन प्लस, वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियों को बचाने के लिए वहां पर मेड इन इंडिया के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जो वहाँ पर स्टाफ काम करता है, उनकी जो वर्दी होती है, उनके जो पहनावे होते हैं, उसको भी बदल दिया गया है। वहाँ पर वो ऐसे कोई भी वर्दी ना पहने जिसमें शाओमी जैसे प्रोडक्ट ब्रांड का लोगो छपा हो, बड़े बड़े ब्रांड के ऐसे लोगो लगे हों जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो और लोग उस स्टोर पर तोड़फोड़ करें। तो समझ लीजिए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं चाइना की, ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट के जहां पर बिक रहा है वहां पर मेड इन इंडिया के पोस्टर लगा रहे हैं, और जो एमआई, वीवो, ओप्पो जहां पर लिखे हुए हैं उनको ढक रहे हैं, क्योंकि डर है। भारत के अंदर जिस तरह से चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार की बातें की जा रही हर जगह, दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, हर जगह बाइकॉट चाइना चल रहा है, हर जगह लोग चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, उनके सामान को तोड़ रहे हैं, और इसी बीच पर ऐसी घटना। हमारे देश के लोग कुछ ऐसे हैं जो अपनी कमाई के लिए हमारे देश की सेनाओं की जान के साथ खेलते हैं। जब पूरा देश बाइकॉट चाइना की बात कर रहा है, तो ऐसे बड़े बड़े लोग अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए, अपने प्रोडक्ट यानी अपने आप को बचाने के लिए, कि हम लोग हमारी धंधा ना छिन जाए, उसको बचाने के लिए वो लोग नए नए जुगाड़ सोच रहे हैं, मेड इन इंडिया के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अब समझ लीजिए कि हमारे देश के अंदर ही वो कंपनियाँ रहकर हमारे साथ खिलवाड़ कर रही हैं। उधर हमारी सेना लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ झड़प कर रही है, आमने सामने खड़ी है, हमारे 20 सैनिक मारे गए, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग इन कंपनियों को बचाने के लिए खड़े हुए हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, आप समझ सकते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। दूसरी बात, पूरे 3800 किलोमीटर जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर है, वहाँ पर हमारे सैनिक अपनी जान के साथ खेल रहे हैं, चीनी सैनिकों के सामने खड़े हुए हैं, और हमारे देश के अंदर चाइनीज कंपनियों को बचाने के लिए कुछ लोग हैं जो चाइनीज एजेंट हैं, चाइना के नाम पर खाते हैं, चाइना का पैसा खाते हैं, और चाइनीज प्रोडक्ट को देश के अंदर थोपना चाहते हैं, वो लोग अभी भी चाइनीज कंपनियों को बचाना चाहते हैं। तो आप इन लोगों से सावधान कर रही है, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रही है, क्योंकि जो चाइनीज एजेंट हैं, जो चाइना के प्रोडक्ट को ही देश में बेचवाना चाहते हैं, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट, जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है उसको आगे नहीं ले जाना चाहते, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना चाहिए। तो ऐसे स्टोर्स पर आप पहले ध्यान दे दीजिए जो चाइनीज प्रोडक्ट है। आप लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं कि क्या क्या चाइना का इंडिया के अंदर बिकता है, इस चीज से आपको सावधान रहना, ऐसे धोखेबाजी से आपको सावधान रहना। इकोनॉमिक्स टाइम्स पर ये रिपोर्ट छपी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम पर ये रिपोर्ट छापी गई है, जहां पर बताया गया है कि जो एमआई शाओमी के स्टोर्स हैं वहां पर मेड इन इंडिया के बैनर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब आप खुद समझदार हैं आपको आगे क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।